What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा फिजिकल एजुकेशन और आने वाले 10 दिन के अंदर हम लोग पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे. बस यू हैव टू मेक श्योर कि आप मेरे साथ साथ डेली बेसिस पे एक चैप्टर तैयार करो, रोज एक घंटा निकाल के अच्छे से तैयारी करो, आपका बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी. जिस ऑर्डर में मैं कराऊंगा उसी ऑर्डर में करना, जो चैप्टर्स में पहले कराऊंगा वो पहले करना, जो बाद में कराऊंगा वो बाद में करना, क्योंकि इंटर रिलेटेड है, राइट? और बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप फुल मार्क्स लेके आओगे, ये मेरा एश्योरेंस है. तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं एंड विल स्टार्ट विद चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं बेटा जी हम लोग सबसे पहले चैप्टर के साथ और यूनिट 2 के साथ स्टार्ट करेंगे. आज जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स. तो मेनली हम लोग चिल्ड्रन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे और विमेन से रिलेटेड पढ़ेंगे जब स्पोर्ट्स की बात होगी. तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज गाइडलाइंस है जो कि WHO ने दी है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप. सर, WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर्स बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं हर एज ग्रुप के लिए जो कि हमें पता होनी चाहिए. दैट इज इट, ठीक है? तो देखो लिखा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है, ताकि हेल्थ अच्छी हो सके. हम बहुत सारी बीमारियां जो फेस कर रही है आजकल, पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, उससे बचा जा सके, जैसे ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज का बहुत इश्यूज रहते हैं, हार्ट डिजीजेस बहुत सारी है. तो क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो WHO ने दी हैं? तो WHO ने जो गाइडलाइंस दी हैं बच्चे वो 3-4 तरीके से दी हैं. सबसे पहले तो छोटे बच्चों के लिए जो कि 5 साल से कम की एज वाले हैं, इसका मतलब हमारे पास हो गए अंडर 5 ईयर्स. उसके बाद 5 से 17 साल वाले हो गए, 5 to 17 वाले, ठीक है. फिर एडल्ट्स हो गए 18 से 64 वाले, और उसके बाद जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हो गए यानी कि ओल्डर एडल्ट्स हो गए. तो इनके लिए कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले बच्चे ये मैच द फॉलोइंग या 1 मार्कर्स में आपसे पूछ सकता है. लेस देन 1 ईयर को क्या बोलते हैं? इन्फेंट्स. 1 से 2 साल वालों को टोडलर्स. 3 से 4 साल वाले चिल्ड्रन. चिल्ड्रन एंड यूथ 5 to 17. 18 से 64 एडल्ट्स, और 65 या उससे ज्यादा ओल्डर एडल्ट्स, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके चलो. इसके बाद आता है बच्चे अब क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं जो कि WHO ने दी हैं. तो सबसे पहले देखो क्या दिया है. सबसे पहला इन्फेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्या बोला. अब छोटे बच्चों के लिए क्या WHO बोलेगा? सबसे पहले उनको प्रॉपर स्पेस दो, उनका डाइट का ध्यान रखो, है ना. तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन्फेंट शुड बी प्रोवाइडेड इनफ स्पेस एंड ओपन एनवायरनमेंट. उनको ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो ताकि वो मूवमेंट उनकी अच्छे से हो सके, और कम से कम रेस्ट्रिक्शन हो उनके पास, क्योंकि देखो इस टाइम पे बच्चा जितना ज्यादा मूव करेगा उतना अच्छा है. मूवमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी हर मसल, हर बोन अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहिए. तो मूवमेंट अगर रुक जाएगी तो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट? आगे क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज जैसे कि क्रॉलिंग हो गया, रोलिंग हो गया, वो चलते रहना चाहिए मैट पे, शीट पे, ताकि अच्छे तरीके से बच्चे को मूवमेंट करने का चांस मिले. उसके बाद ड्यूरिंग सेडेंटरी टाइमिंग द चाइल्ड मस्ट बी एंगेज इन रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग फॉर एनकरेजमेंट. इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे धीरे 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 बच्चा बड़ा होता है तो उस टाइम पे उसका रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, उसको बोलने का मौका दो, उसको चीजें दिखाओ, है ना. तो बच्चा एक्सप्रेसिव हो जाएगा जो कि एक अच्छी चीज है. तो यहाँ पे इन चीजों पे फोकस किया गया है. उसके साथ साथ गुड क्वालिटी स्लीप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो भाई अब टॉडलर्स की बात कर लेते हैं. टॉडलर्स का मतलब क्या है? टॉडलर्स का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि बच्चे को देखो मार्क कर लो आप सारी चीजें. क्या लिखा है टॉडलर्स के बारे में, ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन एनी सेडेंटरी एक्टिविटी विच इज मोर देन 1 आवर लॉन्ग इंक्लूडिंग रीस्टैंड इन प्रैम्स एंड स्ट्रॉलर्स. मतलब बच्चे को किसी भी तरीके के, आजकल हम वॉकर्स वगैरह में बिठा देते हैं ना, तो उस वॉकर्स वगैरह में बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं बिठाना है बच्चे को, ठीक है. 1 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ओके. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वंस दे लर्न टू सिट एंड स्टैंड टॉडलर शुड बी एनकरेज टू अंडरटेक फंडामेंटल फिजिकल एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, लीपिंग. जब बच्चे सीख जाए अच्छे से बैठना, अच्छे से चलना, तो फिर उनको एनकरेज करो इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज के लिए. परफेक्ट हो गया. उसके बाद आगे आ जाते हैं चिल्ड्रन के लिए क्या कहा गया है.
चिल्ड्रन के लिए बोला गया है चिल्ड्रन शुड स्पेंड एटलीस्ट 180 मिनट्स इन अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एट एनी इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है, बच्चे को कम से कम 180 मिनट्स का क्या मतलब हो गया बेटा जी, 60 मिनट्स का एक घंटा हो गया, तो 3 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट, अच्छे तरीके से किसी भी तरीके का एक्टिविटी करने को कहा गया है। ठीक है, दिस शुड बी स्प्रेड थ्रू आउट द डे इंडोर्स एंड आउटडोर्स। इंडोर्स और आउटडोर्स में उसको डिवाइड कर दो आप, अकॉर्डिंगली स्प्रेड कर लो, थोड़ा सा घर के अंदर, थोड़ा सा घर के बाहर, मतलब मूवमेंट्स के लिए बेसिकली चीजें बताई गई हैं। ओके, स्टैंडिंग अप, मूविंग अराउंड, रोलिंग, प्लेइंग, इस तरीके की चीजें, स्किपिंग, हॉपिंग, रनिंग, जंपिंग, सही हो गया। चिल्ड्रन एंड यूथ की बात करें तो फिर से वही बात है, चिल्ड्रन एंड यूथ के बारे में क्या लिखा हुआ है, बहुत बेसिक चीजें, एक्टिविटीज अब प्रोग्रेसिव मैनर में करनी है। प्रोग्रेसिव मैनर का मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, आप उसका टाइमिंग्स बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंगली। बच्चा रनिंग स्पीड हो गया, स्विमिंग हो गया, बेसिक एक्टिविटीज इसके अंदर बच्चे को सिखानी है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, दीज रिकमेंडेशंस आर रेलेवेंट टू हेल्दी चिल्ड्रन एंड यूथ बिटवीन 5 to 17 ईयर्स ऑफ द एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, एथनिसिटी, मतलब कोई इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का नहीं है, सबके लिए सेम है। ओके, चिल्ड्रन यूथ विद अ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन मे फॉलो दीज रिकमेंडेशंस अंडर द एडवाइस ऑफ अ मेडिकल ऑफिशियल। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल डिफिकल्टी है, कोई इंजरी है, तो फिर उसको डॉक्टर की सलाह से इसको करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज शुड बी डन इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, जैसे सिंपल एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट करो, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, ड्यूरेशन बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ, है ना, और धीरे धीरे उसकी अच्छे तरीके से मूवमेंट हो, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट ऑफ मसल्स हो, बोन्स हो, जॉइंट्स हो, मेटाबॉलिज्म हो, सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, ये बेसिक इसके अंदर दिया हुआ है। एडल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट्स के अंदर भी ये चीजें लिखी गई हैं कि एडल्ट्स को भी धीरे धीरे सिंपल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और बेसिक्स के साथ ही ग्रो करना चाहिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। एडल्ट्स को बेसिक रनिंग की बात करो, ये नहीं कि एडल्ट्स भाग रहे हैं भाई बहुत तेज तेज, ऐसा नहीं है। बेसिक रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, इस तरीके की चीजें जरूर बताई गई हैं। जैसे हमारे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो क्या एडवाइस करते हैं कि भैया सुबह और शाम को आप वॉकिंग जरूर करो। आप लोग अपने पेरेंट्स को भी एनकरेज करा करो ताकि वो अच्छे रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। आजकल हम इतना सारा बाहर का स्नैक्स खाते हैं, इतने सारे प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, तो हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड होती है। तभी तो हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, बीपी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो बेसिक सैर करने से सुबह शाम की, यानी बेसिक अगर वो नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, थोड़ी सी रनिंग कर लेते हैं, रनिंग में कोई बहुत तेज भाग स्प्रिंट नहीं लगानी, बेसिक रनिंग कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, तो भी बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत फिट रहेंगे आपके पेरेंट्स। तो आप हैबिट बनाओ अपने पेरेंट्स के साथ अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा टाइम निकाल के 10-15 मिनट का वॉक सफिशियंट होगा, अच्छा होगा। ओके, आगे क्या है ओल्डर एडल्ट्स के लिए, फिर से क्या लिखा है हमारे पास, प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से चीजें फॉलो करके चलनी है। देखो, एडल्ट्स यूथ विद डिसेबिलिटीज में फॉलो द रिकमेंडेशंस विद एडजस्टमेंट्स एज पर कैपेसिटी। इंडिविजुअल्स विद स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, में नीड टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस एंड सीक मेडिकल एडवाइस बिफोर ट्राइंग टू अचीव द रिकमेंडेड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर ओल्डर एडल्ट्स। ठीक हो गया, चलो भाई अब यहां से आते हैं बच्चों हमारे पास बेसिक जो चैप्टर आपका मेन चालू होगा क्या है। देखो, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, नाम में ही लिखा हुआ है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चरल डिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है सर, पोस्चर में दिक्कत होना, पोस्चर में प्रॉब्लम होना। सर कैसा पोस्चर, देखो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक इंसान कैसे बैठ रहा है, कैसे खड़ा हो रहा है, किस तरीके से वॉक कर रहा है, किस तरीके से रन कर रहा है ना। अब अगर आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा बेंड होंगे आगे की तरफ या पीछे की तरफ, टेढ़ा खड़ा होगा कोई, तो अजीब सा लगेगा ना। कुछ लोगों को हैबिट्स हो जाती हैं, कुछ लोगों को जेनेटिकल होता है, कुछ लोगों को किसी इंजरी की वजह से हो जाता है, तो पोस्चर में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी बोलते हैं। ठीक है, अब पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो है बेसिकली 3 तरीके की है, उसके ही बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो है मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो लेग्स में होती है, पैरों में होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है शोल्डर्स में, और उसके बाद हमारे पास होती है स्पाइन में, यानी ये बैक। ओके, तो 3 तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं जो आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है, समझनी है, एग्जाम में आती है ये।
कि कहां कहां पे हो गई आपके पास, मैंने बता दिया, लेग्स में, शोल्डर्स में, स्पाइन में, ठीक है। अब देखो लेग्स में कौन कौन सी होती है हमारे पास। लेग्स में हम लोग बोलते हैं नॉक नीज, बो लेग्स, फ्लैट फुट, ये तो हमारे पास लेग्स में होती है। ओके, शोल्डर्स के लिए हमारे पास राउंड शोल्डर्स होती है, और अगर हम बात करें स्पाइन के लिए तो स्पाइन में हमारे पास काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, ये हमारे पास स्पाइन में होती हैं। तो ये आपको बड़े ध्यान से याद रखनी है, एग्जाम में आती हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ पोस्टरल डिफॉर्मिटीज, सम ऑफ विच आर गिवन बिलो अलोंग विद करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव एक्सरसाइज शुड बी डन अंडर एडवाइस एंड सुपरविजन ऑफ फिजिशियन, जो कि कुछ खास बात नहीं है। देखो कौन कौन सी हो गई हमारे पास, ये अलग अलग है जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पक्का आएगी, बड़े ध्यान से समझ लेना इसको। ओके, ये तो हो गई आपकी लेग्स में, ये हो गई आपकी शोल्डर्स में, और ये हो गई आपकी स्पाइन में, बैक में, ये आपके बैक में होती है। ऑलराइट, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। सर नॉक नीज के बारे में बता दो, आ जाओ, पहले मैं आपको इनके बारे में सारी चीजें दिखा देता हूं। आओ जी, देखे बेटा यहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, बड़े ध्यान से इसको देखना। अगर मैं इसका ब्राइटनेस तो बिल्कुल कम है, आई एम नॉट श्योर आपको ये बहुत क्लियर है या नहीं है, बट दिख तो रहा ही होगा आपको। देखो नॉर्मल पोस्चर लेग्स में कैसा है, बड़े ध्यान से देखना। नॉर्मली बिल्कुल स्ट्रेट लेग्स हैं, है ना, बिल्कुल सीधे हो गए, ये तो हो गया नॉर्मल। ओके, अब यहां पे क्या होता है हमारे पास, जो नीज है वो दो तरीके से बेंड हो जाती है, बाहर की तरफ या फिर चिपक जाना अंदर की तरफ। तो देखो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, अगर ये बाहर की तरफ ऐसे ओपन हो जाए, यानी यहाँ पे जो गैप है वो बढ़ जाए, तो इसको हम बोलते हैं बो लेग्स। इसको हम क्या बोलते हैं, बो लेग्स। ओके, और अगर ये अंदर की तरफ चिपक जाए इस तरीके से, यानी ये जो गैप है ये बिल्कुल कम हो जाए, इसको हम बोलते हैं नॉक नी। ओके, नॉक नी का दूसरा नाम होता है वेल्गस, और बो लेग्स का दूसरा नाम होता है वेरस, तो आपको पता होना चाहिए। और नॉर्मली कैसा है, नॉर्मली इंडिविजुअल बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, जिसके अंदर यहां पे एक नॉर्मल गैप होता है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, अगर नॉर्मल गैप है इस तरीके से, तो ये तो नॉर्मल है। ओके, अगर ऐसा गैप बढ़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बो लेग्स। और अगर ये गैप बिल्कुल कम हो जाए, ऐसे बेंड हो जाए ये, तो ये हो गई नॉक नी, कि नीज जो है वो नॉक हो गई है। ओके, तो सबसे पहले ये मेजर इंजरीज हैं, या इंजरी कह लो या डिफॉर्मिटी कह लो, जो कि हमें लेग्स में देखने को मिलती हैं, राइट। उसके बाद बच्चे दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, फुट में। फुट में किसको बोलते हैं, देखो नॉर्मल फुट कैसा है, अगर आप कभी मिट्टी पे पैर रख के देखना तो ऐसा शेप बनेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फुट। ओके, उसके बाद हमारे पास फ्लैट फुट कैसा होता है, कि बीच का गैप ही खत्म हो जाता है। देखो नॉर्मल हमारे पास कैसे होता है, ऐसा, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बिल्कुल फ्लैट आ रहा है, देखो यहां का बीच का जो गैप है, ये जो गैप है ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैप होता है, ये गैप ही अगर गायब हो जाए तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट फुट। ओके, और एक होता है होलो फुट। होलो फुट में क्या होता है, कि ये बहुत ज्यादा ही गैप हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, देखो इसमें बीच में ऐसे स्पेस बन जाता है, होलो फुट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये जहां स्पेस ही नहीं है ये हो जाता है हमारा फ्लैट फुट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फुट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कुछ तो नीज की हो गई, ये नीचे फुट की हो गई। ओके, उसके बाद शोल्डर्स चेक करो। राउंड शोल्डर में क्या होता है, देखो ये आपका बिल्कुल बेसिक है, स्ट्रेट, बिल्कुल भी पोस्चर में कोई कमी नहीं है। राउंड शोल्डर्स में देखो थोड़ा सा ये स्पाइन से राउंड हो गया और शोल्डर आगे की तरफ बेंड हो गया, मतलब कई लोगों को हैबिट होती है ऐसे आगे झुक के खड़े होने की, तो उनको राउंड शोल्डर्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो शोल्डर्स में बेसिकली ये राउंड शोल्डर्स होता है। स्पाइन में अगर मैं आ जाऊं, देखो तो स्पाइन में हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड बैक में आपको देखने को मिलता है। अब देखो इसमें ध्यान से समझना, बैक में क्या क्या है, नॉर्मली हेल्दी बेसिक देख पा रहे हो आप ये, ठीक है। अब लॉर्डोसिस देखो, लॉर्डोसिस क्या होता है, कि ये जो लोअर बैक होता है ना, ये पार्ट लोअर बैक, ये अंदर की तरफ ऐसे बेंड हो जाता है, तो लॉर्डोसिस याद रखना, ये देखो ऐसे एल बन गया, बन गया नहीं बन गया एल, तो लॉर्डोसिस में क्या होता है, बेसिकली ये लोअर पार्ट में होता है और नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, लॉर्डोसिस। ओके,
काइफोसिस में क्या होता है, काइफोसिस में ऊपर से ये अपर, कई लोगों को आपने देखा होगा ये अपर बैक बाहर की तरफ निकल आता है, तो अपर बैक बाहर की तरफ निकल आ गया तो उसको काइफोसिस बोलते हैं, राइट। और स्कोलियोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस में होता है कि जो स्पाइनल कोड है वो बिल्कुल एस शेप बन गया, इधर से देखो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया इस तरीके से, ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्कोलियोसिस। ओके, तो बैक में जब आपको स्पाइनल कर्वेचर देखने को मिलता है तो लॉर्डोसिस आपका लोअर बैक में होगा, काइफोसिस आपका अपर ऊपर की तरफ से होगा, और स्कोलियोसिस पीछे से टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आ जाओ अब मैं आपको एक बार सारे के सारे पढ़ा देता हूँ कि किसमें क्या है। देखो सबसे पहले नॉक नीज, जब स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा नीज नॉक हो जाएंगी। नॉक नीज इज वन ऑफ द मेजर पोस्टरल डिफॉर्मिटी इंडस डिफॉर्मिटी बोथ द नीज नॉक और टच ईच अदर व्हाइल स्टैंडिंग इन द नॉर्मल पोजिशन। ओके, गैप जो है बिटवीन द एंकल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, ही कैन नॉट वॉक और रन इन अ प्रॉपर मैनर। ये क्यों होता है बेसिकली, अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ सब जगह अपना, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए आप भूल जाओ, तो बेसिकली इसके कुछ बेसिक कारण सब में सेम है, जैसे बैलेंस डाइट ना होना, कैल्शियम की कमी होना, है ना, ये बेसिक चीजें हैं जो आप सब में लिख के आ सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, ये है। तो देखो क्या क्या है, जनरली दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ बैलेंस डाइट, विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रॉपर नहीं है, तो ये इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। या फिर क्रॉनिक इलनेस, कोई बीमारी है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा मोटापा है, फ्लैट फुट एंड कैरिंग हैवी वेट इन द अर्ली एज, अर्ली एज बहुत छोटी उम्र में अननेसेसरी वजन वजन उठा लिया किसी बच्चे ने, तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो ये नॉक नीज में चीजें आ जाती हैं। प्रिकॉशंस क्या है, बैलेंस डाइट लेनी है और बच्चों को फोर्स नहीं करना अर्ली एज में चलने या भागने से, बच्चों को अपना टाइम देना चाहिए, बच्चा खुद चलेगा खुद भागेगा। ओके, कैसे ठीक कर सकते हैं, रेमिडीज अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, बट इसके अंदर आपको कुछ आसन हैं जो बच्चे याद करने हैं, प्लीज लर्न करके जाना आसन। आप आसन लिख दोगे ना, हर कोई नहीं लिखेगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे, और मैं योगा में सारे आसन पढ़ा भी दूंगा आपको, तो फिलहाल के लिए समझ लो। हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं अच्छे से, अब देखो हॉर्स राइडिंग में क्या होता है, पैर खोल के बैठेगा ना इंसान, तो अगर किसी के नॉक नीज है अंदर की तरफ बेंड है, तो वो जब ओपन पैर खोल के बैठेगा तो वो अच्छा मूवमेंट होगा, अच्छा पोजीशन में आएगा और वो शायद ठीक हो जाए, तो हॉर्स राइडिंग एक एक्सरसाइज है जिससे हो सकता है। और पद्मासन करें, गोमुख आसन करें, इससे थोड़ा बढ़िया हो सकता है, राइट। तो इस तरीके की चीजें करने से बेटर हो जाएगा। बोलेग्स मैंने आपको बता दिया, जब बाहर की तरफ बेंड हो जाए, ऐसी पोजिशन बन जाए, नॉक नीज में तो ऐसा नॉक हो गए थे, बोलेग्स में ओपन हो जाता है, स्पेस ज्यादा हो जाता है, तो लिखा हुआ है देखो, इट इज अ पोस्चुरल डिफॉर्मिटी, इट इज अपोजिट टू नॉक नीज, इफ देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन नीज, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बोलेग्स, ठीक है जी, परफेक्ट है। इसका भी मेन कॉज क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, लॉन्ग बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड हेंस दे आर बेंड आउटवर्ड्स। प्रिकॉशंस क्या है, बच्चों को ओवरवेट ना होने दिया जाए, बिल्कुल भी ओवरवेट ना हो कोई बच्चा, उसके बाद बच्चों को फोर्स ना करें चलने के लिए भागने के लिए, और बैलेंस डाइट देनी है। रेमिडीज, विटामिन डी बढ़ाना है, बैलेंस डाइट देनी है, और इनर एज पे चले, अगर बच्चा इनर एज पे चलेगा प्रॉपरली, इनर एज पे चलेगा तो फिर शायद ठीक हो पाएगा, राइट। अब फुट में आ जाए तो बेटा, फ्लैट फुट मैंने आपको बता दिया, फ्लैट फुट क्या होता है, अवर फीट एक्ट एज अ बेस ऑफ सपोर्ट टू द बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। फ्लैट फुट इज कॉमनली फाउंड अमंग न्यूबॉर्न बेबीज, बट इट बिकम्स अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इफ इट स्टिल परसिस्ट्स ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड। छोटे बच्चों में होता है, लेकिन अगर वो लंबे समय तक चलता रहे तो फिर डिफॉर्मिटी कह दिया जाता है। द चिल्ड्रन विद फ्लैट फुट कैन नॉट बिकम एफिशिएंट स्पोर्ट्स पर्सन, अगर फ्लैट फुट है तो जनरली उनकी लाइफ में कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, मेन कॉज इज वीक मसल्स, अगर मसल्स वीक हो, ठीक है, वीक मसल्स होंगी तो बॉडी वेट नहीं झेल पाएंगे हमारे पैर, तो भागने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बहुत एक्सेसिव स्पोर्ट्स करने में प्रॉब्लम आएगी। अलॉन्ग विद दिस रैपिड इंक्रीज इन बॉडी वेट, इम्प्रॉपर शूज एंड कैरिंग हैवी वेट आर ऑल्सो द कॉज ऑफ फ्लैट फुट, अगर बहुत ज्यादा बॉडी वेट है, शूज गलत पहने हैं और बहुत ज्यादा हैवी वेट अपने ऊपर उठाया तो भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, प्रॉपर शेप और साइज के शूज पहनने, बेयर फुट नंगे पैर बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलना, ओबेसिटी मोटापे से बचना है। ओके, रेमिडीज क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, हील्स पे चलने की कोशिश करो, इनर साइड आउटर साइड ऑफ द फीट से प्रैक्टिस करो चलने की, उसके साथ साथ टोज पे चलने की प्रैक्टिस की जाए।
शोल्डर्स की बात करें बच्चों, तो शोल्डर्स में जब बेंडिंग आ जाएगी तो उसको हम राउंड शोल्डर्स बोल देंगे। द शोल्डर्स बिकम राउंड एंड समटाइम्स दे सीम टू बेंड फॉरवर्ड। कॉजेस क्या हो सकते हैं? हेरिडिटी होता है, बेसिक हेरिडिटी से ही चला आ रहा है, राइट। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या है? डोंट सिट, वॉक और स्टैंड इन बेंड पोजिशन, सीधा बैठे, है ना। कई बार छोटे होने से ही हैबिट हो जाती है कुर्सी के ऊपर ऐसे झुक के बैठना या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठना, तो पूरी कोशिश करनी है कि पॉस्चर अच्छा हो, सीधा खड़े हो, सीधा बैठे, तो इस तरीके की चीजें ठीक की जा सकती हैं। अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स, बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग क्लोथ्स नहीं पहनने। अनकंफर्टेबल फर्नीचर पे नहीं बैठना, ठीक है जी, परफेक्ट। उसके बाद कुछ शोल्डर की बेसिक एक्सरसाइजेस बताई गई है, जैसे अपने फिंगर्स जो है शोल्डर्स पे रखो, यानी इस तरीके से उसको फिर रोटेट किया जाए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसी एक्सरसाइज करने से शोल्डर्स आपके अच्छे पोजिशन में आ जाएंगे। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, हॉरिजॉन्टल बार पकड़ के, यानी जैसे हम इस तरीके से पुलअप्स लगा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। परफॉर्म चक्रासन एंड धनुरासन, ठीक है जी। अब हमारे पास आ रहा है बैक के इश्यूज, जिसके अंदर लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस, ठीक है। देखो स्कोलियोसिस एस से है, एस बन जाएगा जब, राइट। उसके बाद काइफोसिस ये अपर स्पाइन में होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और लॉर्डोसिस मैंने आपको बताई दिया था लोअर में, जब नीचे ये एल शेप बन जाए, राइट। तो देखो लॉर्डोसिस इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ये ध्यान रखना बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कई बार, इनवर्ड कर्वेचर करो मैच। तो इनवर्ड अंदर की तरफ जब ये लोअर बैक बेंड हो जाएगी तो उसको क्या बोल देंगे हम? लॉर्डोसिस। इट इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, इनफैक्ट इट इज एन इंक्रीज्ड फॉरवर्ड कर्व इन द लंबर रीजन, ठीक है। स्टैंडिंग में वॉकिंग में प्रॉब्लम आती है, इसके क्या कारण है? देखो फिर से वही इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर एनवायरमेंट, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, मोटापा, बहुत सारी डिजीजेज इस तरीके की जो स्पाइनल मसल्स पे इम्पैक्ट करती हैं। प्रिकॉशंस क्या ध्यान रखना है? ओबेसिटी ना हो और बैलेंस डाइट ले। रेमिडीज क्या है, कैसे ठीक की जा सकती हैं? कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं वो करनी है, कुछ आसन हैं वो करने हैं, डाइट का ध्यान रखना है, कैल्शियम का ध्यान रखना है, फॉस्फोरस का ध्यान रखना है, ये सब रेमिडीज आप जब भी डिफॉर्मिटी है सब में लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, While maintaining a standing position, bend forward from hip level. Repeat this exercise 10 times. अब देखो बच्चों, जहां भी बेंड हुआ है ना, सपोज बैक इस तरीके से बेंड हुआ है, तो एक्सरसाइज करो ऐसे करने की तो ठीक हो जाएगी। अगर इधर बेंड हुआ है तो एक्सरसाइज करो इस तरीके से करने की तो ठीक हो जाएगी। तो जिस तरफ बेंड हुआ है उसके रिवर्स डायरेक्शन में आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। दूसरा, लाई डाउन ऑन योर बैक एंड रेज योर हेड एंड लेग साइमल्टेनियसली फॉर 10 times। बैक पे सीधा, क्योंकि ये ऐसे बेंड हुआ है तो बैक पे सीधा लेट के ऐसे उठो, राइट, ये दे रहा है। परफॉर्म सिटअप्स, सिटअप्स किए जाए, हलासन किया जाए, ये याद रख लेना इसके लिए हलासन, ओके। काइफोसिस अब अपर के लिए होता है, इट इंप्लाइज इंक्रीज एग्रीगेशन ऑफ अ बैकवर्ड और पोस्टीरियर कर्व और अ डिक्रीज ऑफ रिवर्सल ऑफ अ फॉरवर्ड कर्व, इट इज कॉल्ड राउंड अपर बैक, बेसिक ऊपर से बैक राउंड हो जाना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? काइफोसिस, राइट। कॉजेज ऑफ काइफोसिस क्या होता है? वही माल न्यूट्रिशन, इलनेस, क्राउडेड एरियाज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्योर एयर, इनसफिशियंट एक्सरसाइज, कैरिंग हैवी लोड्स ऑन शोल्डर्स, अनसुटेबल फर्नीचर, वीक मसल, शाइनेस अमंग गर्ल्स, हैबिट ऑफ डूइंग वर्क बाय लीनिंग फॉरवर्ड, ये सब चीजें कारण बनती हैं जो अपर बैक है आपकी उसमें प्रॉब्लम, उसमें एक पॉस्चरल डिफॉर्मिटी लेके आना। प्रिकॉशंस क्या है? इफ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस आर नॉट फॉलोड, इट मे रिजल्ट इन काइफोसिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दे शुड टीच अप्रोप्रिएट पॉस्चर। देखो छोटी उम्र से बच्चों को सिटिंग पॉस्चर, स्टैंडिंग पॉस्चर, वॉकिंग पॉस्चर बहुत प्रॉपर होने चाहिए। रेमिडीज क्या है? सिट इन अ चेयर सच दैट योर हिप शुड टच द बैक ऑफ योर चेयर एंड शोल्डर में रिमेन स्ट्रेच बैकवर्ड्स। अब देखो ऊपर से बेंड हो गया ना, तो ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कुर्सी पे बैठना है ताकि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बाहर आ जाता है अपर बैक, ये सीधा हो सके, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज कीप अ पिलो अंडर योर बैक व्हाइल स्लीपिंग, बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन, और इसमें धनुरासन, ठीक है। स्कोलियोसिस, पोस्चरल एडेप्टेशन ऑफ स्पाइन, अगर स्पाइन में दिक्कत आ जाए तो उसको स्कोलियोसिस बोल देते हैं। साइडवेज कर्वेचर्स होते हैं, स्कोलियोटिक कर्व्स भी उसको बोल देते हैं। देखो किसी भी तरीके से एस, ये देखो कहीं से भी घूम सकता है, एस बनेगा, सही है। प्रिकॉशंस क्या है इसके अंदर? अच्छा इसके पहले कॉजेस क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं, मेन रीजंस होते हैं जॉइंट्स या बोन्स में दिक्कत होना, अंडर डेवलप्ड लेग्स होना, ठीक है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस होना, रिकेट्स होना, हैवी लोड्स उठाना शोल्डर पे,
राइट, तो इस तरीके की गलत स्टैंडिंग पोजीशंस, गलत सिटिंग पोजीशंस, उससे बेसिकली होता है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? बैलेंस डाइट लो, स्टैंडिंग शुड बी अवॉइड इन साइडवेज बेंडिंग पोजीशन, सीधा बैठ के पढ़ो, बेंड होके मत पढ़ो। ओके, रेमेडीज क्या क्या है, क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है? बेंडिंग एक्सरसाइज शुड बी डन ऑन द अपोजिट साइड ऑन द सी शेप्ड कर्व, जिस तरफ से भी बेंड हुआ है दूसरी तरफ बेंड होने की कोशिश करो। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार, हॉरिजॉन्टल बार से थोड़ा थोड़ा होल्ड करके रखो, स्विम करो, ठीक है, उससे ठीक हो सकता है। अब देखो पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ऑल्दो मैंने ऊपर आपको सारे पढ़ा दिए, बट कुछ कई बार तीन नंबर में पूछ लेता है कि बताओ किस तरीके से हम बो लेग्स को ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से हम फ्लैट फुट को ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो करेक्टिव मेजर्स फॉर नॉक नीज, नॉक नीज के लिए क्या करना है, फिर से नीज लॉक्ड है ना, तो आप सबसे पहले हॉर्स राइडिंग करो, हॉर्स राइडिंग पिलो रख के सो दोनों नीज के बीच में, है ना, और पद्मासन और गोमुखासन मेन है, ये लर्न करने हैं बच्चों आज चैप्टर, ये तैयार हो जाना चाहिए आपका, राइट। आगे क्या है बो लेग्स के लिए, स्टैंड इरेक्ट विद फीट जॉइंट टुगेदर। अब बो लेग्स में क्या होता है आपके पास, इस तरीके से ओपन हो जाता है, अब आप कोशिश करो कि जितना हो सके इनको जोड़ के खड़े हो, पैरों को सीधा रखने की कोशिश करो। रैप अ सॉफ्ट पीस ऑफ क्लोथ ऑन बोथ द लेग्स, एक कपड़ा बांध के थोड़ा सा टाइट करो और स्क्वाट करने की कोशिश करो जितना अच्छे से कर पाओ, है ना। देखो यहाँ पे इस तरीके की पिक्चर्स लगी हुई है, कुछ डिस्टेंस वॉक करो इनर एज पे, वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड, टोज को अंदर की तरफ बेंड करके चलने की कोशिश करो, और इसके अंदर आप लोग गरुड़ आसन परफॉर्म कर सकते हो, अर्ध चक्र आसन परफॉर्म कर सकते हो, अर्ध मत्स्येंद्र आसन परफॉर्म कर सकते हो, तो इस तरीके के कुछ आसन से भी अच्छा हो सकता है बोलेक्स, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों फ्लैट फुट के लिए क्या करना है, जंपिंग ऑन द टोज, रोप स्किपिंग, सही है ना, रस्सी कूद सकते हो, स्टैंड अप एंड डाउन ऑन द हील्स, वॉक ऑन द टॉज, तो ये सारी चीजें बेसिक हैं जो मैंने आपको पीछे भी बताई। राउंड शोल्डर्स के लिए भी चक्रासन धनुरासन बहुत अच्छे हैं, राइट। उसके बाद अगर हम लॉर्डोसिस के लिए बात करें तो पीछे मैंने आपको बताया 10 times टच योर टोज, सिटअप्स करो अच्छे से, और रेगुलर प्रैक्टिस हल आसन, आसन जरूर याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आसन, अगर आप लिख के आओगे तो नंबर पूरे पूरे मिलने वाले हैं भाई, इसमें गलती मत करके आना, ओके। अच्छा काइफोसिस की अगर हम बात कर देते हैं, ऊपर के लिए काइफोसिस होता है, के बन जाता है, इम्प्रूव योर हैबिट एंड बी अलर्ट वाइल यू सिट स्टैंड और वॉक, कब आप बैठ रहे हो, कैसे आप चल रहे हो, कैसे आप वॉक कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरलॉक योर फिंगर्स बिहाइंड बैक एंड पुल योर शोल्डर्स अपवर्ड, देखो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो गया, राइट। इस तरीके से आपको पॉस्चर सही रखना है, तो ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प कर सकती हैं। वन मस्ट डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज सो दैट लीनिंग फॉरवर्ड हैबिट वुड डिसअपियर, ठीक है। चलो भाई स्कोलियोसिस के लिए क्या करना है, हैंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बार, ये देखो हॉरिजॉन्टल बार पे बिल्कुल हैंग हो जाओ थोड़ी देर के लिए, ट्राइंग स्विमिंग, स्विमिंग, उसके बाद त्रिकोण आसन, अर्ध चक्र आसन और बेंडिंग एक्सरसाइजेस, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारे पास स्कोलियोसिस, ऑलराइट। अब इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है बच्चों स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन इन इंडिया। अब आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर किस तरीके से सब जगह वेमेन पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं, अभी IPL आने वाला है बट उससे पहले वेमेन प्रीमियर लीग आ रहा है, राइट। तो कितना ज्यादा पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे कंट्री में बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं जिसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो इन बिटवीन मेन एंड वेमेन और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और हम लोग देखते हैं इतने सारे ओलंपिक्स होते हैं, पैरालंपिक्स होते हैं, इतने सारे गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक के गेम्स हैं जहाँ पे हमारे वेमेन इतने सारे मेडल्स लेके आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है हमारे देश के लिए और आगे बढ़ने के लिए कितना इंपॉर्टेंट भी है। क्या लिखा हुआ है देखो, द पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन इन स्पोर्ट्स इज इन इंडिया इज वेरी स्मॉल, देश के अंदर, हमारे देश के अंदर स्पेसिफिकली वेमेन का पार्टिसिपेशन काफी स्मॉल है। ऐसा क्यों है? जेंडर इनइक्वालिटी, हमारे देश में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जेंडर इनइक्वालिटी, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, जो कि बिल्कुल ही गलत है, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम इज मोर सोशियो साइकोलॉजिकल देन एनीथिंग एल्स, बस साइकोलॉजी है और कुछ नहीं है, और सोसाइटी में पुरानी सोच है जो अभी तक प्रिवेल कर रही है, बट अभी काफी ठीक हो चुकी है, बट स्टिल अभी एग्जिस्टिंग है। आगे क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड द नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वेमेन
with the objective to promote women's sports. However, this program could not bring any noticeable improvement in women participation in sports. Sarkar ne national sports festival tak chalaya, but usse bhi koi bahut major change hame dekhne ko nahi mila. Acha, kya kya surveys ne dikhaya hai ki kyun women participate nahi karti? Number one, time constraints. Women ke paas domestic duties ke saath saath comparatively kam time bachta hai as compared to men. To sabse pehla jo reason jo surveys bata rahe hain कि वेमेन का पार्टिसिपेशन कम है वो है टाइम. दूसरा, सोशल कॉन्स्टेंट्स. सोशल कॉन्स्टेंट्स का मतलब कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, वो वेमेन को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखता. उसको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ गलत है, जो कि उनकी सोच में गलत है, राइट? उनका माइंडसेट इस तरीके का है. हमारा सोसाइटी जो है वो इस तरीके का है कि वो वेमेन को पार्टिसिपेट नहीं करने देगा. तो वो एक कॉन्स्टेंट है, एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी. तीसरा, लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. प्रॉपर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में नहीं है, बिल्कुल सही. फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्किल. उसके बाद बहुत कम फीमेल कोचेज अवेलेबल हैं. ये हम लोग भी देखते हैं, जब मैं अपने ही जिम में जाता हूँ तो मेल ट्रेनर्स भरे पड़े हैं, फीमेल ट्रेनर्स बहुत कम हैं. फीमेल ट्रेनर्स कम क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे वो लोग इस तरीके की स्किल सिखा ही नहीं रहे हैं, है ना? स्कूल लेवल से ही हम देखेंगे कि मेल्स बहुत ज़्यादा फिजिकल की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, फीमेल्स में कम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है. तो स्किल की कमी तो छोटे लेवल से ही हो रही है ना, ग्राउंड लेवल से ही हो रही है, ये एक दिक्कत है. उसके बाद आगे लिखा हुआ है, कंसर्न फॉर पर्सनल सेफ्टी. कंसर्न फॉर पर्सनल सेफ्टी का मतलब क्या है कि वेमेन्स के अंदर एक बेसिक थोड़ा सा एक फियर होता है, एक डर होता है. किस चीज़ का? एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम. ये थोड़ा सा एक फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, ओके? उसके बाद और क्या क्या कारण हो सकते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है. उसके बाद फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज रोल मॉडल्स थोड़े से कम है. विमेन्स जब आगे बढ़ रही हैं, अब तो बहुत सारे विमेन हम देखते हैं आगे स्पोर्ट्स में वर्ल्ड गोल्ड मेडल्स लेके आ रही हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो अब तो बहुत सारे रोल मॉडल्स हो गए. बट अर्ली डेज में रोल मॉडल्स विमेन में कम थे. उसके बाद लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट्स, लैक ऑफ अवेयरनेस. अवेयरनेस नहीं है. लेस नंबर ऑफ विमेन कोचेज, मैं आपको बता चुका हूँ. पर्सनल सेफ्टी, थोड़ा सा डर लगता है. प्रॉपर एक्सेस टू फैसिलिटीज नहीं है. और मेल डोमिनेटेड कल्चर, जो कि हमें देखने को मिलता ही है, बहुत गलत है. बट ये सब रीजंस हैं जो जिस वजह से हमें विमेन कम देखने को मिलती हैं. अच्छा, अब अगर विमेन पार्टिसिपेट करेंगी तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउथर्न इंडिया सवाल लिख लो, एग्जाम में आ सकता है. क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट्स की बात करते हैं. फिजिकल बेनिफिट्स होंगे, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होंगे, सोशल बेनिफिट्स होंगे. फिजिकल यानी कि जो स्ट्रेंथ, फिजिकल अपीयरेंस आउटसाइड आपको देखने को मिलेंगे. साइकोलॉजिकल यानी मेंटल, मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत फर्क पड़ता है स्पोर्ट्स से. और सोशल का मतलब सामाजिक, सोसाइटी में क्या होगा. तो सबसे पहले फिजिकल देख लो. लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत कम हो जाएंगी, डायबिटीज कम होगा, हाई बीपी कम होगा, ओपेसिटी कम होगा, हेल्दी लाइफ हमें देखने को मिलेगी वेमेन में. बोन डेंसिटी, जितनी ज़्यादा स्पोर्ट्स होता है उतना स्ट्रांग होती है मसल्स, उतनी स्ट्रांग होती हैं बोन्स, तो हमें बोन डेंसिटी अच्छे देखने को मिलेगी, हेल्दी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा. टोन्ड मसल्स, मसल्स अच्छी होंगी. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, नर्व्स अच्छी होंगी, नर्वस सिस्टम अच्छा काम करेगा. तो ये सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे. ओबेसिटी, जो हमारा एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो कि हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, तो अगर स्पोर्ट्स होंगे तो ओबेसिटी कम से कम होगा, राइट? तो ये सारे फिजिकल बेनिफिट्स हैं बच्चे, जो वुमेन के पार्टिसिपेशन से उनको देखने को मिलेंगे. साइकोलॉजिकल पे आ जाए, माइंड पे अगर हम आ जाए, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिल्कुल भी जो पूरे दिन का स्ट्रेस है, अगर आधा घंटा एक घंटा स्पोर्ट्स कोई भी खेलता है, नॉट ओनली वुमेन, मेनली हम यहाँ पे वुमेन की बात कर रहे हैं, बट नॉट ओनली वुमेन, कोई भी इंडिविजुअल अगर स्पोर्ट्स खेलता है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से बचा रहता है. दूसरा, कंट्रोल ऑन इमोशंस. वेमेन लाइक देयर मेल काउंटरपार्ट्स हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स आर वेल इक्विप्ड टू मैनेज देयर इमोशंस. जो वेमेन्स अच्छे से पार्टिसिपेट करती हैं, वो अपने इमोशंस को स्ट्रांगली कंट्रोल कर पाती हैं. कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि हर स्पोर्ट एक टीम गेम होता है, टीम के साथ काम करना, एक साथ मिलजुल के आगे बढ़ना, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. उसके बाद सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम का मतलब सेल्फ वर्थ, सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी वैल्यू पता चलती है, वो डेवलप होती है. लीडरशिप, ठीक है, अब हर घर में वेमेन कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिना माँ के हर घर अधूरा है, है ना? तो वेमेन जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगी, वो अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी ले आएंगी, जिससे वो हर तरीके की जगह
अपने घर पे, अपने कॉलेजेस में, अपने ऑफिसेस में, जहां भी वो वुमेन जाएंगी वो बहुत अच्छा कर पाएंगी, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमारे पास साइकोलॉजिकल आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम सोशल देखें तो सोशल में हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन बनेगा, राइट? कोऑर्डिनेशन कैसा? स्पोर्ट्स हेल्प करेगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम प्लेयर्स एंड वुमेन हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, राइट? कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट अच्छा कर पाएंगी, अच्छे से एक दूसरे को समझ पाएंगी। तीसरा, इंटर रिलेशनशिप्स, अच्छे रिलेशनशिप्स बन पाएंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता, टीम एफर्ट होता है। तो अच्छा कम्युनिकेशन से ही अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं, और कॉपरेशन, कॉपरेशन करना आ जाता है। अब हमारे पास बच्चों एक लास्ट टॉपिक आता है, जो कि है स्पेशल कंसिडरेशंस, मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर, मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या क्या होता है, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है? अब देखो, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। मेन और वेमेन बायोलॉजिकली अलग अलग बनाए गए हैं बाय गॉड, राइट? वेमेन के पास एक सबसे बड़ी पावर है कि वो एक और फर्दर बच्चे को जन्म देती हैं, एक और जीवन को लेके आती हैं, एक और लाइफ को लेके आती हैं हमारे सराउंडिंग में। तो वेमेन का बायोलॉजिकली एक साइकिल है जो कि डेवलप करा गया है बाय गॉड, और वो उसी तरीके से चलता है, ठीक है? बट कई बार जिस साइकिल को हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं, वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, उस साइकिल में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट? तो स्पेशल कंसिडरेशन में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहला है मेनार्क और दूसरा है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है, स्पेशल केयर शुड बी टेकन बाय स्पोर्ट्स वुमेन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देयर फिजियोलॉजी। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग देयर लाइफ आर, अब देखो दो प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन फेस करती हैं। सबसे पहला है मेनार्क। सर, व्हाट इज दिस मेनार्क? मेनार्क का मतलब होता है फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है? अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि हर वुमेन मंथली बेसिस पे ब्लीडिंग को फेस करती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिस चीज को हमें समझना चाहिए, हमें सोसाइटी में उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाउ स्ट्रॉन्ग वुमेन आर। ये प्रॉब्लम अगर जनरली हर कोई फेस करने लगे ना, तो शायद कर ही ना पाए। वो वुमेन ही है जिसके अंदर वो शक्ति है कि वो उस चीज को फेस कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो क्या है यहाँ पे, जब वुमेन को फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, हर यंग गर्ल में होती है, उसको हम मेनार्क बोलते हैं, ठीक है? इसका एक नॉर्मल एज क्या है, 12 साल के आसपास, ठीक है? हाउएवर इट कैन हैपन एज अर्ली एज ड्यूरिंग 8 और 9 ईयर्स में भी हो जाता है कुछ बच्चों को, और कई बार 16 ईयर्स तक ये मैक्सिमम चला जाता है। तो सबसे पहला जो चैलेंज है जो एक बच्ची, छोटी बच्ची फेस करती है, वो है मेनार्क, जब उसको फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है। दूसरा क्या होता है बच्चों? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। सर, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता है कि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, हर महीने, एवरी मंथ होना है, राइट? वो टाइम पीरियड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए कि 2 महीने 3 महीने होने लगे। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मली 4 से 5 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल हो जाता है, बैक टू नॉर्मल हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट कुछ केसेस में ये एक्सेसिव ब्लीड होने लगता है, तो वो भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज अ डिसऑर्डर और इररेगुलरिटी इन वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इररेगुलरिटी हो जाती है, इट कैन बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 21 से 35 डेज की होती है, ठीक है? अब किसी की 25 डेज में हो जाती है, किसी की 28 डेज, किसी की 30 डेज, तो 21 से 35 डेज चलता है। इट फ्लोज अप्रोक्सीमेटली टू 2 to 7 days, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 से 7 days का होता है। मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी सीम्स टू बी हायर इन वुमेन एथलीट्स इन कंपैरिजन टू नॉन एथलेटिक वुमेन। अब ये जो मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज है, ये एथलेटिक वुमेन्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, राइट? चलो अब देखो क्या है, ये तो हमारे पास आपको पता चल गया कि स्पेशल कंसिडरेशंस क्या है जो एक वुमेन को ध्यान रखनी पड़ती है, मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, राइट? अब फीमेल एथलीट ट्रायड, क्या है सर ये ट्रायड? ट्रायड का मतलब, देखो ट्रायड वर्ड जो है वो ट्रायो से आया। ट्रायो का मतलब क्या होता है? तीन, है ना? सिंगल मतलब एक, डुओ मतलब दो, ट्रायो मतलब तीन। तो ट्रायड जो शब्द है ये 3 से आया। तो 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा एमेनेरिया,
तीसरा ईटिंग डिसऑर्डर्स. सही है. अब ऑस्टियोपोरोसिस का क्या मतलब होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हमारे पास मेनली जो बोन है, जो हड्डी है, उसकी डेंसिटी की हम यहाँ पे बात करेंगे. हम मेनली यहाँ पे बोन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से बोन वीक पड़ जाती है, जिससे चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं. ओके. उसके बाद एमेनेरिया क्या है? एमेनेरिया जो भी आपने पीछे पढ़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होना, उसकी बात करेंगे. ईटिंग डिसऑर्डर्स, गलत सलत खाना खाना, उसकी बात करेंगे. कई बार अपनी बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर लेना, बहुत ज़्यादा फूड कंट्रोल कर लेना, वो सब इसके अंदर आ जाता है. देखो जरा, फीमेल एथलीट ट्राइड इज अ सिंड्रोम इन विच ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनेरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स आर इंक्लूडेड. इसीलिए इसको हम ट्राइड बोलते हैं. अब ट्राइड है क्या? ट्राइड में ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, जिसके क्या क्या सिम्टम्स हैं. आपको बहुत ज़्यादा थकान लगे, इंजरी हो रही है बार बार, लॉस ऑफ एंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, पावर कम हो रही है, इरिटेटिंग हो रहा है, आपको इरिटेटिंग फील हो रहा है बार बार, इंक्रीज हीलिंग टाइम फॉर इंजरी, इंजरी जल्दी से हील नहीं हो रही है, है ना, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ रहे हैं. तो ये बेसिकली सिम्टम्स हैं ट्राइड के. अब ट्राइड में सबसे पहले क्या आता है? ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस में देखो, नॉर्मल बोन इस तरीके से होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस में देखो बोन के अंदर किस तरीके से गैप्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट. तो अगर आप बेसिक देखोगे तो इसके अंदर फ्रैक्चर का चांस ज्यादा होगा. कोई भी चीज इस पे हिट करेगी तो ये जल्दी ब्रेक होगी. तो क्या लिखा है देखो, ऑस्टियोपोरोसिस रेफर्स टू डिक्रीज्ड बोन मिनरल डेंसिटी. ठीक है, ध्यान रखना, बोन मिनरल डेंसिटी. इट इज अ स्केलेटल डिसऑर्डर, अ रिडक्शन इन बोन मास मे कॉज फ्रैक्चर. बोन मास कम हो जाता है. अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से होता है, ये क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कैल्शियम की कमी होना. बहुत बड़ा कारण. कैल्शियम तो जनरली भी आजकल देखने को मिलता है, लोगों में कम है. तो द मेन कॉज इज इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ कैल्शियम. इनफैक्ट 100 mg कैल्शियम शुड बी इंक्लूडेड इन डेली डाइट बाय अ वुमन एथलीट. ठीक है, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और विटामिन डी. ठीक है, उसके बाद अब दूसरी चीज क्या आ रही है हमारे पास, दूसरा कारण क्या होता है? क्योंकि ये रिलेटेड है, ट्राइड है ना, ट्राइड का मतलब है ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है. तो दूसरा कारण क्या होता है? एमेनेरिया. एमेनेरिया क्या है? जितनी भी विमेन जो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन से या फिर एमेनेरिया से डील करती हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है. इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर ठीक नहीं होगी तो वो भी बोन मिनरल डेंसिटी पे इंपैक्ट डालेगी. यस, तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर मोर देन 6 months आर लाइकली टू फेस ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन कॉल्ड ऑस्ट्रोजन इज डिक्रीज्ड इन दिस कंडीशन. अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 6 महीने या उससे ज्यादा तक डिस्टर्ब्ड है, तो वो भी आपके बोन मिनरल डेंसिटी पे इंपैक्ट डालेगा. ओके. नेक्स्ट आता है ईटिंग डिसऑर्डर्स. ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम कम ज़्यादा हो जाती है, विटामिन डी कम ज़्यादा हो जाता है, जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं. चलो भाई, ठीक हो गया. अब आ रहा है हमारे पास एमेनेरिया. एमेनेरिया में मैं आपको बता चुका हूँ दो तरीके की चीज़ें हैं. एमेनेरिया इज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और इलनेस इन वेमेन वेयर गर्ल्स ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव ईदर नेवर बिकेम मेंस्ट्रुएटिंग और देर इज एन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 months और मोर देन दैट इन वेमेन विद अ हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स है बच्चे. एक तो ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट ही नहीं हुई, और दूसरा ये है कि 3 महीने या उससे ज़्यादा का गैप हो जाता है आफ्टर अ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, उसके बाद फिर 3 महीने का गैप हो गया, पता नहीं क्यों. तो इस तरीके का जब चेंज आ रहा है, इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एमेनेरिया. ठीक है, एमेनेरिया कैन बी डिफाइंड एज सेसेशन ऑफ विमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मोर देन 3 months. ठीक है जी, अब कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का. एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी एमेनेरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिलेड मिनार्क. डिलेड मिनार्क का मतलब कि जो फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होना है वो बहुत ज्यादा डिले हो गया है. तो फर्स्ट टाइम अगर हो रहा है तो उसको हम प्राइमरी बोल देंगे. ठीक है, फर्स्ट पीरियड में प्रॉब्लम आना. और सेकेंडरी में क्या होता है? सब कुछ नॉर्मल चलते चलते गैप आ जाना. अ वुमन हु हैज हर नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल एट स्पेसिफिक टाइम एंड देन स्टॉप्स मेंस्ट्रुएटिंग फॉर 3 months और मोर इज सेड टू हैव सेकेंडरी एमेनेरिया. ठीक है, अब थोड़ा सा ये बच्चे टॉपिक बायोलॉजिकल है, डॉक्टर्स इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं.
बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट वे में समझा पाऊँ. स्टिल अगर आपको कोई भी इसके अंदर डाउट आता है तो आप लोग इसको एक बार और गो थ्रू करना, एक बार और रीड करना, या मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको पूरा और कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? देर आर वेरियस फैक्टर्स विच मे इंस्पायर और एनहेंस द चांसेस ऑफ एमेनोरिया. ये क्यों होता है? नंबर वन, हार्मोनल चेंजेस. कई बार हार्मोन्स जो हैं उसमें चेंजेस हो रही होती हैं, जैसे जैसे एक विमेन ग्रो करती है तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं. हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उस सिनेरियो में इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. अब हम लोग देखते हैं कि इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो एक विमेन के नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है. तो हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे घर में हमारी कोई सिस्टर है या हमारी मदर हैं या हमारा कोई हमारी कोई फ्रेंड्स हैं और वो इस तरीके से बिहेव कर रही हैं, इस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, बहुत सारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, है ना, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि इंटरनली उनके कितनी सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं, राइट? तो एज अ सोसाइटी वी शुड अप्रिशिएट, वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि एक विमेन के साथ क्या क्या चीजें विद इन द बॉडी चल रही हैं. तो हमें उस चीज को समझना है और रिस्पेक्ट करके चलना है और अप्रिशिएट करके चलना है, राइट? और ये चीज हमारी सोसाइटी जिस दिन समझ जाएगी उस दिन सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा, सही है ना? तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से होता है और कैलोरीज कम लेने की वजह से भी होता है. वही इम्बैलेंस डाइट, आप इम्बैलेंस डाइट भी यहां पर लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों ईटिंग डिसऑर्डर. ये लास्ट होता है. इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स विद फीमेल एथलीट ट्राइड, जितने भी गर्ल्स जिनके अंदर फीमेल एथलीट ट्राइड होता है, ट्राई टू लूज देयर बॉडी वेट एज अ वे टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस. उनको ऐसा लगता है, गर्ल्स जो बहुत ज्यादा एथलेटिक्स में होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा बॉडी वेट ज्यादा होगा तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो हमें अपना बॉडी वेट कम करना होगा. बॉडी वेट कम करने के चक्कर में डाइट इम्बैलेंस कर लेते हैं, तो जिस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू लूज वेट दे मे प्रैक्टिस अनहेल्दी वेट कंट्रोल मेथड्स इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्टेड फूड, खाना कम खाना, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, खुद से वॉमिट करना, कंजम्पशन ऑफ एपेटाइट सप्रेसेंट्स, टैबलेट्स लेना, डाइट पिल्स लेना, है ना. तो इस तरीके की चीजों से ईटिंग डिसऑर्डर्स से प्रॉब्लम आ सकती है. अब ईटिंग डिसऑर्डर्स दो तरीके के बताए गए हैं बच्चों, नंबर वन एनोरेक्सिया, दूसरा बुलिमिया. अब एनोरेक्सिया में क्या होता है, एनोरेक्सिया में फीमेल एथलीट्स को वो पूरा दिन उनके दिमाग में बस दो तीन चीजें चल रही होती हैं. कौन कौन सी? खाना, डाइटिंग, बॉडी वेट. मतलब ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी है, मतलब उनकी साइकोलॉजी इस तरीके की हो जाती है कि वो पूरे दिन बस तीन ही चीजों के बारे में सोचती रहती है कि उनका फूड क्या है, उनकी डाइट क्या है, उनका बॉडी वेट क्या है. दे हैव डिस्टॉर्टेड बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. अदर इंडिविजुअल्स यूजुअली फील दैट दे आर बिकमिंग थिन बट दे डू नॉट बिलीव दिस. इन फ्रंट ऑफ द मिरर दे सी देमसेल्व्स एज ओबेस. दूसरे लोगों को दिख रहा होता है कि वो पतली होते जा रहे हैं, वो स्लिम होते जा रहे हैं, लेकिन वो खुद को जब मिरर में देखते हैं तो उनको उस चीज पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं लगता. उनको लगता है कि नहीं, हमें अपने फूड पे, डाइट पे और कंट्रोल करना है, राइट? उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया. नेक्स्ट होता है बुलिमिया. बुलिमिया में क्या होता है, इट इज ऑल्सो एन ईटिंग डिसऑर्डर. ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है. अब इसमें क्या होता है, खाना खाने का बहुत मन करता है, उसके चक्कर में ओवर ईटिंग हो जाती है और ओवर ईटिंग के बाद फिर वॉमिट हो जाता है. ये इसके अंदर आता है. इन विच अ फीमेल एथलीट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड चला जाता है एंड देन वॉमिट्स इन ऑर्डर नॉट टू गेन वेट. इन दिस डिसऑर्डर एन इंडिविजुअल बिंजेस ऑन फूड. होता है ना बिंज वॉच करना, खाने के बारे में सोचते रहना, ठीक है, और बाद में क्या होता है, टू प्रिवेंट वेट गेन ट्राइज टू वॉमिट. तो ये बच्चों ईटिंग डिसऑर्डर्स में आ जाता है. आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा. मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ कवर करी है, एक एक चीज़ समझाई है. इसके अंदर मेनली जो है वो पोस्चुरल डिफॉर्मिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको करेक्ट कैसे करना है, कौन कौन से आसन हैं वो आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए, उनको अच्छे से आज लर्न कर लेना. एक ही चैप्टर तैयार करना है तुम्हें कल रात तक, तो अच्छे तरीके से तैयार करो, बहुत मजे में हो जाएगा. कल एक और चैप्टर आगे चलेंगे और कंप्लीट करेंगे, राइट? थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन. आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय.